हेलो फ्रेंड्स, ए वॉर्म गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ग्रामर से CNF कन्वर्जन कैसे करते हैं बताएंगे, चौसमक की नॉर्मल फॉर्म। नोटिस दैट एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन चौसमक की नॉर्मल फॉर्म। कैन ट्रांसफॉर्म एनी CFG इनटू चौसमक की नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई भी लैंग्वेज किसी ग्रामर के द्वारा डिफाइन की जाती है तो उसको CNF फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, CNF फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके 3 रूल हैं, रिडक्शन ऑफ CFG, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस एंड रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस। अगर किसी ग्रामर में ये 3 कंडीशन रिमूव करते हैं, उसके बाद जो है आप CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर है, ध्यान दीजिएगा, तब यूज कर सकते हैं जब ग्रामर के डेरिवेशन पर कोई भी इफेक्ट ना हो। Every contextually grammar that doesn't generate the empty string can be simplified to the Chomsky normal form. The derivation tree in grammar in CNF is a binary tree. Grammar in normal form can be facilitate proofs. Chomsky normal form is used as the starting point in the algorithm CYK. ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर कोई ग्रामर A tends to BC और A tends to alpha means इस फॉर्म में अगर आपका प्रोडक्शन दिया गए हैं तो वो चौसमक के नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करती है। A जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आपके नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं और जो स्मॉल लेटर हैं वो आपके टर्मिनल सिंबल्स हैं। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 नॉन टर्मिनल सिंबल है होना चाहिए और राइट हैंड साइड आपके 2 नॉन टर्मिनल सिंबल्स हो, तभी आप चौसमकी नॉर्मल फॉर्म कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्रामर इस फॉर्म में नहीं है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर प्रोसेस इम्प्लीमेंट पड़ेगा। कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अरेंज द ऑल बॉडीज ऑफ लेंथ 2 और मोर टू कंसिस्ट एनी ऑफ वेरिएबल्स। ब्रेक बॉडीज ऑफ द लेंथ 3 और मोर इनटू कास्केडेड ऑफ प्रोडक्शंस ईच विद ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल को समझाया है यहाँ पर हमने। सपोज दैट ये कोई ग्रामर दी हुई है ए टेंस टू बी ए और बी टेंस टू दिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन दिया गया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव का प्रोसेस हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। एस टेंस टू ए, यहाँ पर क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनल सिंबल, जो एस जो है आपका स्टार सिंबल है और एप्सिलॉन का हमने यूज किया है। अगर हम एप्सिलॉन का यूज कहाँ से किया है, क्योंकि एस नॉट टेंस टू ए दिया गया है, तो ए टेंस टू एप्सिलॉन दिया गया है मीन्स एस नॉट को जो है हम प्रोडक्शन में एप्सिलॉन का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टार सिंबल को एप्सिलॉन तभी यूज कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड में कोई भी एस का प्रोडक्शन सिंबल ना दिया गया हो। अब a टेंस टू एप्सिलॉन है, तो अगर हम इसको BAB में पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट स्ट्रिंग्स फाइंड आउट हो सकती हैं। और b टेंस टू एप्सिलॉन है, अगर b का यूज करते हैं तो यहाँ a इज इक्वल टू a प्रोडक्शन फाइंड आउट होगा, ओनली AB फाइंड आउट होगा और BA फाइंड आउट होगा। अगर a की वैल्यू एप्सिलॉन की जो है हम s के साथ रखते हैं तो s नॉट टेंस टू एप्सिलॉन और बी का सिंपल प्रोडक्शन क्या होगा, बी टेंस टू
बी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एस नॉट टेंस टू, तो ये आपके नए प्रोडक्शंस फाइंड आउट हो गए। अब अगर हमको CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी, जैसे यहाँ पर थ्री आपके नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं और की नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है, यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होने चाहिए। तो सपोज दैट लेट हमने क्या किया, यहाँ पर बी को हमने डी और डी कंसीडर किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, लेकिन सिंगल कंसीडर हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोई भी जो है यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, वेरिएबल आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने सी इक्वल टू कंसीडर किया ए बी, तो जहाँ इस प्रोडक्शंस में ग्रामर में जहाँ पर भी ए बी कंसीडर होगा वहाँ पर हम लोग सी मेंशन कर सकते हैं। बी टेंस टू जीरो जीरो दिया गया है, मींस टर्मिनल सिंबल्स। मैंने डी टेंस टू जीरो कंसीडर किया, तो बी टेंस टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी एंड कैपिटल डी। इस प्रकार से अगर आप फाइनल प्रोडक्शंस देखते हैं तो हर उसमें दो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, और अगर डी टेंस टू जीरो मीन्स सिंगल टर्मिनल सिंबल्स, ये गिवन ग्रामर आपकी कन्वर्ट हो गई चौसम के नॉर्मल फॉर्म में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक ऑल वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।